कैसे हैं आप सब लोग? भाई मुझसे बहुत सारे बच्चे, मैंने एक दफ़ा नॉर्वे की वीडियो अपलोड करी थी, बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे, नहीं यार इतना पैसे कैसे कमा सकते हैं वहाँ, और स्टूडेंट का क्या सीन है, और स्टूडेंट वीज़ा कैसे लेते हैं। तो आज मैं पकड़ के लाया हूँ एक बंदे को, अब्दुलरहमान। ये हमारे बहुत पुराने फॉलोअर हैं और मतलब मेरा ये चैनल देखते हैं, वीडियोज़ इन्होंने सारी देखी हुई, और ये नॉर्वे पहुँच गए अल्लाह का शुक्र है। तो अभी नॉर्वे में है, पीछे से वाइट शेल्व्स, वाइट सब कुछ नज़र आ रहा होगा, ये टिपिकल स्कैंडिनेवियन मुल्कों का है, जर्मनी में भी वैसे ऐसे ही होता है। तो भाई अब मैं इनसे कुछ पार्ट्स बनाऊंगा वीडियोस के, तो पहले मैं इस वीडियो में मैं इनसे पूरा नॉर्वे का कंप्लीट प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, और सेकेंड वीडियो में हम पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि नॉर्वे पहुँच चुके हैं, पार्ट टाइम जॉब, अकोमोडेशन, वहाँ का कार्ड कैसे बनता है, रेजिडेंस परमिट कैसे बनता है, उसका बनाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो प्रोसेस के बारे में, तो अब्दुलरहमान पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कि ये वीडियो बनाने के लिए आप राज़ी हो गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं होते। और दूसरी बात, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मिनाल भाई, बस शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आपसे फॉलो करते रहे हम और आपकी वीडियोस वगैरह देखते रहे हैं, अरे नहीं और उसी की बदौलत मोटिवेशन आई और हम यहाँ पहुँच गए। नॉर्वे कैसा है भाई? नॉर्वे अच्छा है, काफी अच्छा है। अच्छा अब्दुल रहमान, सबसे पहले मुझे नंबर पहले चीज से लेकर, यूनिवर्सिटी एडमिशन से लेकर, कैसे कौन सी यूनिवर्सिटी, आपकी इस पहले क्वालिफिकेशन जान लेते हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मास्टर्स? मैंने बेसिकली ना पाकिस्तान से 2 ईयर्स की डिग्री की हुई थी, 2 साल का बीकॉम, दो साल का बीकॉम था, 2 साल का मास्टर्स था। मास्टर्स किस चीज में? मास्टर्स में आईटी पे था। और क्या उसमें परसेंटेज आई थी सीजीपीए? बीकॉम में मेरी थी 60 और मास्टर्स में थी मेरी ऑलमोस्ट 3.3 सीजीपीए था। अच्छा, और आपकी टोटल 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, और आपका नॉर्वे में मास्टर्स ही में हुआ है अभी एडमिशन? नॉर्वे में किस डिग्री में आपका एडमिशन हुआ है? मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में आपका हुआ है, कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ है? मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ईस्टर्न नॉर्वे, इसकी काफी कैंपसेस हैं। मेरा जो कैंपस है वो ओस्लो के पास ही है, होनोफोस कहा जाता है उसको। हाँ, ओस्लो भाई कैपिटल सिटी है नॉर्वे का, सही कह रहा हूँ? और वहाँ फिनलैंड से ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो मैं जीत गया पहली बार। बहुत सर्दी है आजकल, तो 4 बजे अंधेरा हो जाता है, इतना गुस्सा आता है, डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मतलब बाहर निकलो, रात ही रात है यहाँ 6 महीने तक। अभी अब कितना टाइम हो गया है आपको फिनलैंड आए हुए? नॉर्वे आए हुए? नॉर्वे मुझे हो गए 5 मंथ्स होने वाले हैं। 5 महीने, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपका। अच्छा, आइल्स करा था आपने? जी जी करा था। क्या बैंड्स आए थे उसमें? मेरा 6.5। आइल्स करना जरूरी है नॉर्वे के लिए? जरूरी है। अब मुझे प्रोसेस बताएं, सबसे पहले क्या स्टेप लिया जाए जिस बच्चे को भी नॉर्वे में आना है, बैचलर्स करने आना है या मास्टर्स करने आना है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, पहले रिक्वायरमेंट्स? देखो, पहले तो ये है कि मैंने जब स्टार्ट किया था अपना प्रोसेस, तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा IELTS ही था। मैंने पहले IELTS की प्रिपरेशन की, और पहले मैंने मतलब अपना वो ना कर लिया था, कंपेरिजन एक बना लिया था, आइडिया कि मैंने किस किस जगह किस किस मुल्क अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखा जाए तो नॉर्वे का मेरा कोई मूड नहीं था उस टाइम, जो मुझे पता भी नहीं था नॉर्वे के बारे में, यहाँ पर कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या नहीं किया जाता। तो इसी तरह बैठा हुआ था एक दिन, तो फेसबुक से मुझे पता चला कि नॉर्वे भी है एक जगह जहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, और फिर मैंने उसका स्टेप स्टेप देखा, क्योंकि इंटरनेट है, इंटरनेट में हर चीज अवेलेबल है भाई। और मैंने स्टेप स्टेप देखे और अप्लाई करना स्टार्ट किया, और जो चीज़ नहीं समझ आती थी वो मेरा एक ही काम होता था, मैं यूनिवर्सिटी की वो एडमिशन मेल्स में जाता था और उनको मेल ठोक देता था, ये मेरा इश्यू है, इसका मैंने कैसे रिजॉल्व करना है। सही है, तो वो लोग बता देते थे ये आपका ठीक है, ये इश्यू है, क्योंकि मेरे लिए इश्यू ये बन रहा था ना कि मेरी 2 ईयर्स की डिग्री थी, और जो आपके क्रेडिट आवर्स होते हैं ना, वो मेरी किसी डिग्री में ना कम, बहुत कम जा रहे थे। ऐसा ही है, क्योंकि पहले आपका जर्मनी का प्लान था, मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब हमारी कॉन्वर्सेशन होती थी, जर्मनी में हो नहीं पा रहा था आपका, बहुत मुश्किल, क्योंकि ऐसे नहीं होता जर्मनी में। तो फिर अच्छा, फिर मैंने एक दो प्रोग्राम्स चूज किए थे अपने, जिसमें ना ये मेरी जा रही थी सारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक,
और फिर दूसरी बात ये थी कि जिस डिग्री को मैंने चूज किया उस डिग्री में जिस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थी, इस पे मतलब आईटी भी थी और बिजनेस भी मिक्स था, तो इस वजह से मेरा प्रोसेस मतलब मैंने कहा चलो ये डिग्री अच्छी है, लेकिन इस पे भी एक इशू आ गया क्योंकि इन्होंने कहा कि आपको चाहिए कि आपको अपनी आप ही ना फाइनल डिग्री चाहिए। उस टाइम मेरा अभी मास्टर्स खत्म हुआ था, फिर मैंने जल्दी जल्दी प्रोसेस कर करके अपनी डिग्री अप्लाई की और एक्स्ट्रा पैसे दिए और डिग्री करवाई, तो मतलब सारा कुछ ये प्रोसेस किया और इनके फिर स्टार्ट हुए नवंबर, आई थिंक अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं और टिल दिसंबर तक चलते हैं एडमिशन। साल में एक ही सेशन होता है नॉर्वे का जो अक्टूबर में एडमिशन शुरू होते हैं और दिसंबर के एंड तक चलते हैं भाई, ये सब जानते हैं। और मेरे ख्याल से एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के शायद पहले बंद हो जाते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावांगर है जिसके आई थिंक सो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दिसंबर में ओपन होते हैं और जनवरी में एंड होते हैं, 10 जनवरी को स्टावांगर यूनिवर्सिटी है। तो बाकी सारी यूनिवर्सिटी का सेम ही है जो कि अक्टूबर टू दिसंबर का सेशन होता है उनका पूरा साल में एक ही दफा। ठीक है, तो आपकी उनकी सुकनाथ वेब पे एक उसमें आपने जाकर रजिस्टर करना होता है अपने आप को, अकाउंट बनाए जैसे यूनिएसिस का जर्मनी के लिए पोर्टल है वैसे ये पोर्टल है इनका। और आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो उसका भी कोई इशू नहीं है आपको, और हर यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल पे लिखा होता है कि आप कितने में अप्लाई कर सकते हो। जैसे यूएसएन के तो जिस टाइम मैंने अप्लाई किया था उस टाइम उनकी मेरे ख्याल से एक ही पे थी, और अभी भी शायद उनका एक ही कोर्स है कि आप एक ही में अप्लाई कर सकते हो। सही। और बाकी स्टावांगर यूनिवर्सिटी का इंग्लिश में, और स्टावांगर पे स्टावांगर में आई थिंक दो पे आप अप्लाई कर सकते हो। सही है, तो आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया और दिसंबर में इनके एडमिशंस खत्म हो जाते हैं, और ये मार्च फिर जाके ना मार्च में आपको आंसर्स करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको इशू बताया था मेरी डिग्री का इशू था, तो इन्होंने फिर मुझे फैब तक का टाइम दिया था कि आप फैब में अपनी डिग्री भेज दो हमें, तब मैं हम आपकी ना एप्लीकेशन कंसिडर कर लेंगे। सही है, तो मैंने इनको अपनी फैब में भेजी थी डिग्री, तो मार्च पे फिर आई थिंक सो मई में हमें अपना मेरा एडमिशन मुझे मिल गया था। ओके। और एडमिशन में यही होता है कि आपको जस्ट एक मेल करते हैं शुरू में एक्सेप्टेंस की रिजेक्शन की, फिर आपने सुकनाथ वेब जाना होता है और वहाँ पर लॉगिन करके दोबारा आपने एक्सेप्ट करनी होती है अपनी ऑफर वहाँ जाके, और मतलब इसके बाद जो प्रोसेस होता है ना यूनिवर्सिटी का वो वहाँ पर ही आ रहा होता है। अच्छा। जैसे आप एक्सेप्ट कर लोगे और इसके बाद यूनिवर्सिटी आपको 1 वीक के बाद एक और मेन एडमिशन लेटर भेज देगी, वो भी सुकनाथ वेब में ही अपलोड करेगी, और वहाँ से आपने जाके डाउनलोड करना है, और कुछ देर बाद एक ईमेल भी आ जाती है साथ जिसमें सारा कुछ मतलब आपका ना प्रोसेस होता है, क्या आपने करना है, क्या आपकी एकोमोडेशन है, उसके लिंक्स वगैरह सारा कुछ होते हैं। और इसके बाद आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना होता है जो आपका मतलब मेन होता है कि उसमें मेंशन होता है कि आपने यूनिवर्सिटी को ना एक मेरे टाइम में 1,23,000 crores थे जो सेंड करने थे मैंने, वो ब्लॉक अकाउंट के, वो ब्लॉक अकाउंट के। जैसे भाई ब्लॉक अकाउंट जर्मनी में 10,400 का होता है, तो यूरोज में मैं आपको बता दूं नॉर्वे का 12,000 यूरो है, 1,30,000 crowns है, 12,000 यूरो 24 लाख रुपए पाकिस्तानी का ब्लॉक अकाउंट खुलता है नॉर्वे में। अच्छा, उसका सीन बता दें। इस ईयर मेरे ख्याल से इंक्रीज कर दी उन्होंने, क्योंकि जिस टाइम मैंने आना था उस टाइम 123 थी, अब 126 हो गया ऑलमोस्ट, 300 ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, वो तो मुझे पता है। इसके बाद ये खुलवाना कैसे होता है? खुलवाना नहीं होता, इसका इजी प्रोसेस है, कोई इतना इसका वो जर्मनी की तरह बिल्कुल नहीं है फिंटी वैसे नहीं है तो क्या करना पड़ता है, नॉर्वे यूनिवर्सिटी भेजने पड़ते हैं? बिल्कुल, आप सिर्फ सिंपली यूनिवर्सिटी वाले आपको एक लेटर भेज देते हैं जिसमें मेंशन होता है कि आपने ये अमाउंट इस अकाउंट में सेंड करनी है। आपने सिंपल जाना है किसी भी बैंक चले जाओ या वेस्टर्न यूनियन चले जाओ, और आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर दो एक फायदे ही है कि अगर आप फाइलर हो आपके ऊपर मतलब टैक्स कम लग जाएगा, और टैक्स लास्ट ईयर तो मतलब टैक्स भी नहीं था अगर जो आप अमाउंट सेंड कर रहे हो, क्योंकि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने टैक्स खत्म कर दिया था कोरोना की वजह से। तो आपने सिंपल बैंक आपकी जो इंफॉर्मेशन होती हैं आपने जाके बैंक को देनी है, अमाउंट का आपने वो जो भी इनको प्रोसेस होता है आप ट्रांसफर करेंगे इनको, और यूनिवर्सिटी के आप अकाउंट में भेज देंगे। सही है।
अच्छा, ये एडमिशन के बाद भेजने होते हैं, जब एडमिशन फाइनलाइज हो जाए, फाइनल लेटर आ जाए, उसके बाद ये आपने 12,000 यूरो भेजना है। एडमिशन के टाइम मुझे अभी याद आया कि एडमिशन के टाइम जस्ट आपने ना बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है, वो आप किसी की भी लगा सकते हो। कितनी होती है बैंक स्टेटमेंट, कितनी चाहिए? वो भी इसके इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट होनी चाहिए, 12,000 यूरो की इक्विवेलेंट, 12,000 यूरो एडमिशन के टाइम। एडमिशन के टाइम बिल्कुल यूनिवर्सिटी देखती है। अच्छा, हां, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी को शो कराना होता है कि मेरे पास इतने फंड्स हैं, मैं अप्लाई कर रहा हूं और मैं आगे वहां पर सर्वाइव कर सकता हूं। बिल्कुल, तो आपने वो शो करानी होती है, और इसका जस्ट एक एडवांटेज यही है कि वो आप किसी के अकाउंट से भी शो करा सकते हो। इसमें वो मस्त नहीं है कि आपकी फैमिली का हो या ना हो, आपके कजन भी हो सकता है, आप अपने दोस्त का भी अकाउंट ले लो और उसको भी शो, उसके भी अमाउंट शो करा दो। सही, तो ये बाकी कंट्रीज की तरह थोड़ी सी रिलैक्सेशन इधर है। चलो, हाँ, ये अच्छा बात है। और ब्लॉग अकाउंट का भी तो सीन है कि नॉर्वे आते के साथ ही पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं। जर्मनी में ऐसा होता है भाई कि आप 10,400 जब डलवाते हो तो आपको हर महीने उसका 10% मतलब 865 यूरो अनलॉक होते हैं, मगर नॉर्वे पहुंचने के बाद आपने अगर 12,000 यूरो डलवाए, वो पूरे 12,000 आपको एक ही साथ आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसा ही है? अच्छा, उसके बाद क्या करना पड़ता है? ब्लॉक अकाउंट आपने खुलवा लिया, पैसे भेज दिए, ब्लॉक अकाउंट आपने पैसे भेज दिए, आपको फिर वेट करना है, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 वीक लग जाता है या कंफर्मेशन जल्दी भेज देते हैं कंफर्मेशन आते वक्त। तो यूनि से आपको कंफर्मेशन आ जाती है, लेटर्स आ जाते हैं कि आपके ना अमाउंट इतनी अमाउंट जो आपने पाकिस्तान से भेजी है उसके इक्विवेलेंट इतनी आपकी रिसीव हो गई है। सही, तो वो आपके ना अंदाजे से लाइक आपके अंदाजे से ना ऊपर नीचे ही होती है। ये नहीं है कि आपने जितनी भेजी है उतनी मिली होगी इनको। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट अपनी जो भेजी थी वो 1,23,000 जो भेजी थी वो थोड़ी कम में इधर जब पहुंच रिसीव हुई थी इनको तो वो थोड़ी कम हो गई थी। सही है, तो वो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका अपना मेन प्रोसेस शुरू। अच्छा, अगर वो कम हो गई तो आपने उसका वापस भेजी होगी? नहीं, खैर है, बड़ा अच्छा मुल्क है नॉर्वे, मगर बैचलर्स वालों को वीजा नहीं देता ना, मसला ये है। वीजा रेशो बहुत, असल में जर्मनी का वीजा रेशो बड़ा अच्छा है, नॉर्वे का मास्टर्स वालों का इतनी मुश्किल से लगता है तो बैचलर्स वालों का, मगर डिसार्ट होने वाली बात नहीं, जब आपका लगा है तो भाई सभी का लग जाएगा। मगर बैचलर पे इशू है, मास्टर्स की अगर बात की जाए ना तो मास्टर्स में ना नॉर्वे के लिए एक वो मशहूर था, जब हमें सीनियर्स कहते थे कि एडमिशन ले लो आप, आपको वीजा पक्का मिल जाएगा। चलो, तो बैचलर्स वालों के लिए मशहूर है कि उन्हें नहीं मिलता, जो बैचलर्स में एडमिशन लेते हैं उनको, इनके लिए ये मशहूर है कि उन्हें वीजा नहीं मिलता, 90% वीजा रेशो खराब ही है उनका, मास्टर्स वालों का। हाँ चलो, अच्छा है। अच्छा, उसके बाद आपका ब्लॉक अकाउंट की कॉन्फर्मेशन आ गई। ब्लॉक अकाउंट की आपको जब कॉन्फर्मेशन आ जाती है तो आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो, जिसमें आप क्योंकि होते हैं अपना आपकी एजुकेशन। अच्छा, ये पूरा एडमिशन का खत्म हो गया, वीजे के प्रोसेस पे हम आ गए। एडमिशन्स की जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो तो सेम ही होती है कि आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं, रिकमेंडेशंस चाहिए होते हैं, एलओएम चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर अगर कोई आपका जॉब का हो, सीवी चाहिए होती है, लेकिन वो चाहिए। अच्छा, तो अब आप, मैं आपको समझाता हूँ क्या समझ आया हम लोगों को जो भी देख रहे हैं। सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अगर मास्टर्स में अप्लाई करने हैं, बैचलर्स में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, एफएससी, और आपका अगर बैचलर्स आपने करा हुआ है तो बैचलर्स, वरना जैसे आपने 2 साल का बीकॉम, 2 साल का मास्टर्स, मास्टर्स में अप्लाई करनी है। उसके अलावा हमें 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं, सीवी चाहिए होती है, और पासपोर्ट चाहिए होता है, फोटोज चाहिए होती हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन भी एडमिशन के टाइम चाहिए होता है। अच्छा, लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता है, ये सारी चीजें हो गई, बैंक स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट, ये 6-7 चीजें हो गई, ये आप लोग भाई नोट कर लीजिए, ये चीजें चाहिए होती हैं। एडमिशन सिर्फ खुलते हैं अक्टूबर से जनवरी तक मैक्सिमम, और साल में एक सेशन होता है। सर्च करना पड़ेगा आपको, साल में पूरे एक सेशन होता है, और अक्टूबर से मैक्सिमम जनवरी तक खुलते हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग 1 महीने के लिए, कुछ 2 महीने के लिए, कुछ किसी पे एक कोर्स में अप्लाई कर सकते, किसी पे 2 पे। अच्छा, ये अप्लाई होता है सुक्लार्ट वेब से, वो मैं लिख दूंगा भाई, लिंक जो है वो मैं डाल दूंगा, उससे होता है, और साल में सिर्फ 3 महीने एडमिशन खुलते हैं। एडमिशन आएगा मुझे मार्च में या मई तक भी आ सकता है, सही तक भी आ सकता है। और आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सब कुछ चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए या नहीं? अटेस्टेड होनी चाहिए एडमिशन के टाइम ही।
एडमिशन के टाइम ये सारी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, पासपोर्ट वगैरह ऐसे ही अपलोड कर दो, हाँ, और बैंक स्टेटमेंट भी ऐसे ही अपलोड कर दो। बैंक स्टेटमेंट तकरीबन आपकी 25 लाख रुपए होनी चाहिए, और वो आपके दोस्त की भी हो सकती है, आपके रिश्तेदार की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपके माँ बाप की भी हो सकती है, वो इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपने शुक्ला वेब पे अप्लाई करना शुरू किया, मार्च तक आपको रिजल्ट आया, मई तक भी आ गया, उसके बाद आपने ब्लॉक अकाउंट के पैसे भेजे तकरीबन 25 लाख रुपए, उन्हें वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तब भी चल जाते हैं, मगर ऐसा नहीं 24 लाख भेज देना, भेजने 25 लाख के आसपास ही हैं, आपने उन्हें प्रूफ देना है। एक हफ्ते में आपको कॉन्फर्मेशन आएगी और फिर आपने वीजे के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू करना है। बिल्कुल, ये पूरा हो गया भाई एडमिशन प्रोसेस, इनका यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में एडमिशन हुआ है तो ये पूरा हो गया एडमिशन प्रोसेस। सही है, जिस जिसको कोई भी सवाल है वो, क्या चीज, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ईस्टर्न नॉर्वे में, हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ईस्टर्न नॉर्वे में इनका हो गया। अच्छा, अपना वो रेजिडेंस परमिट, तो खैर रेजिडेंस परमिट पे बाद में आते हैं अभी ये। अच्छा, तो ये पूरा हो गया एडमिशन। अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल हैं जो आप लोगों के पास अभी भी एडमिशन के बारे में है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अब हम वीज़ा इंटरव्यू के बारे में हम इनसे पूछना शुरू करेंगे और वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन के बारे में पूछना शुरू करेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसकी, तो आप वो नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए जब भी मैं अपलोड करूँगी, अगर मैंने अपलोड कर दी तो वो ये रही। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए अभी तक, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। पीस आउट कर दो आप भी अब्दुलरहमान। Okay.